हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको कुछ क्लोज टेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ विद इन सेकेंड्स। और सभी बैंकिंग एग्जाम्स में, सभी RRB RBI एग्जाम्स में, सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली पूछा जाता है। एक एसेंशियल पार्ट है ये सभी बैंकिंग एग्जाम्स का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। और यहाँ पर ये हैं डायरेक्शंस, क्लोज टेस्ट के डायरेक्शंस हैं ये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रियल क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ मैं एक ऑफ़र के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऑफ़र को मैंने फिर से लॉन्च किया है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। देखिए, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में या किसी भी SSC एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो इंग्लिश सेक्शन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि आपकी वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट होनी चाहिए मतलब आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कंपाइल किए हैं। करीब 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कंपाइल किए हैं जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, SSC में पूछे जाते हैं सभी सेक्शंस में। तो इनका वैसे रेगुलर प्राइस 250 है, लेकिन आप 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप पे कर सकते हैं 99 रुपीज़। और आपके ईमेल आईडी पर ये ई बुक्स हमारे द्वारा भेजी जाएंगी। तो इनको आप लें और इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, एक ये रियल क्लोज टेस्ट है और ये किसी बैंकिंग एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। और इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। यानी 10 इसमें फिलर हैं। तो क्लोज टेस्ट के थ्रू एक्चुअली एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है? क्लोज टेस्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं। इसके थ्रू कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है, इसके थ्रू वोकेबलरी चेक होती है, इसके थ्रू वर्ड कॉम्बिनेशंस चेक होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसके थ्रू चेक होती हैं। ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी इसके थ्रू चेक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक के थ्रू एग्जामिनर आपकी चेक कर लेता है। तो बैंकिंग एग्जाम में जो क्लोज टेस्ट आता है वो टेक्निकल होता है, और दूसरे सभी एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल क्लोज टेस्ट पूछे जा सकते हैं। लेकिन बैंकिंग एग्जाम्स में हमेशा टेक्निकल ही आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली PO एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इट इज कॉन्फिडेंट दैट द टफेस्ट एवर सेंक्शंस अगेंस्ट ईरान विच केम इन टू इफेक्ट विल हैव द। अब देखिए, आपने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ तक ही इसमें कितने सारे मीनिंग्स आ गए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आ गया कॉन्फिडेंट, यहाँ पे आ गया टफेस्ट, यहाँ पे आ गया एवर, यहाँ पर आ गया सेंक्शंस, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक प्रपोजिशन ईरान अगेंस्ट, फिर आ गया ईरान, फिर आ गया विच, और यहाँ पर आया है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन केम इन टू इफेक्ट। तो देखिए, यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये वर्ड्स किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, कौन किससे क्या कह रहा है, ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है यदि आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करें, पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर्स की, जैसे जैसे हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, ठीक है। तो किसी भी क्लोज टेस्ट को करने से पहले आपको एकदम से उसको शुरू नहीं करना है, एटलीस्ट उसको 50% तो आपको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। विल हैव द इफेक्ट टू ऑल्टर द ईरानियन रिजीम बिहेवियर इवन एज इट अ क्वेश्चन वेदर द US हैज फर्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू स्टॉप ऑल ऑयल परचेजेस फ्रॉम तेहरान विद इन 6 मंथ। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा इसमें, विद इन 6 मंथ तक। तो इसके थ्रू क्या आइडिया लगा? इसके थ्रू एक ये आइडिया लगा कि इसमें US ने जो बैन लगाया हुआ है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, उसमें इसकी बात, इस पैसेज में उस चीज़ की इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो बैन लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, उसकी इसमें बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इसका कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको वर्ड आपको फिल करने होंगे। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इट इज कॉन्फिडेंट दैट द टफेस्ट एवर सेंक्शंस अगेंस्ट ईरान। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सेंक्शंस, लेकिन ये सेंक्शंस नहीं है, ये कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हैं या बैन है। US ने जो बैन लगाया है, US ने खुद अपने ऊपर और दूसरी कंट्री से बोला है कि कोई भी ईरान से जो ऑयल है उसको इंपोर्ट नहीं करेगा, उसको परचेज नहीं करेगा, ठीक है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इट इज कॉन्फिडेंट दैट द टफेस्ट एवर, टफेस्ट एवर मतलब अभी तक जितने भी उन्होंने बैन लगाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टफ। टफेस्ट एवर मतलब कभी भी जो लोग जो बैन लगाए हैं उनमें सबसे ज़्यादा टफ। टफेस्ट एवर सेंक्शंस अगेंस्ट ईरान विच केम इन टू इफेक्ट विल हैव द इफेक्ट टू ऑल्टर द ईरानियन रिजीम बिहेवियर।
रिजीम का मतलब होता है शासन, बिहेवियर मतलब उसका व्यवहार, ईरान का व्यवहार। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं? अब इसमें ऑप्शन देखिए, नो है, इंटेंटेड है, लिटिल है, स्ट्रिंजेंट है और काउंटर है। अब यदि आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। यदि वोकेबलरी आपकी अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इफेक्ट के पहले यहाँ पर आपको एक वर्ड चाहिए, वो वर्ड क्या होगा? इफेक्ट एक्चुअली एक नाउन है, तो इससे पहले आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या हो सकता है? क्या नो होगा, क्या इंटेंडेड होगा, क्या लिटिल होगा, क्या स्ट्रिंजेंट होगा, क्या काउंटर होगा? अब यहाँ पर देखिए एक कीवर्ड आया है, कॉन्फिडेंट। मतलब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ट्रंप जो शासन है वो कॉन्फिडेंट है। किस बारे में कॉन्फिडेंट है? जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, हमारा इंटेंशन किसी चीज़ को अचीव करने का होता है, तो हम बोलते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको अचीव कर लूँगा। ठीक है, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फेल हो जाऊँगा। ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं बोलेगा। कोई हमेशा बोलेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा, या मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँगा। तो कॉन्फिडेंट जो वर्ड है ये किसी चीज़ को अचीव करने के सेंस में हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इट इज़ कॉन्फिडेंट दैट द टफेस्ट एवर सेंक्शंस अगेंस्ट ईरान विच केम इन टू इफेक्ट। ठीक है, विच केम इन टू इफेक्ट मतलब जो जो प्रभाव में आए, जो मतलब इम्प्लीमेंट हो गए, जो इफेक्ट में आ गए, यानी जो इम्प्लीमेंट हो गए। विच केम इन टू इफेक्ट विल हैव द इफेक्ट टू ऑल्टर द ईरानियन रिजीम बिहेवियर। ईरानियन रिजीम बिहेवियर का, ईरानियन रिजीम का US जो गवर्नमेंट है वो उनका बिहेवियर है, उनका जो इंटेंशन है वो उसको चेंज करना चाहती है, और वो कॉन्फिडेंट है कि इससे उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा? यहाँ पर मीनिंग के अकॉर्डिंग सही वर्ड जो होगा वो होगा इंटेंडेड। जैसे हम बोलते हैं कि इंटेंडेड रिजल्ट्स या इंटेंडेड इफेक्ट। इंटेंडेड इफेक्ट मतलब हमने जो डिज़ायर किया है, जो इफेक्ट हमने डिज़ायर किया है, जिसको हम एस्पायर कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है कि सेंक्शन लगाने के बाद, टफेस्ट एवर सेंक्शंस के बाद, ईरानियन रिजीम जो बिहेवियर है उससे इंटेंडेड इफेक्ट आ जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर, यानी इंटेंडेड। हैव द इंटेंडेड इफेक्ट टू ऑल्टर, ऑल्टर मतलब बदलना। ठीक है, इफेक्ट टू ऑल्टर द ईरानियन रिजीम बिहेवियर इवन एज इट। अब इट यहाँ पर किसके लिए आया है? इट यहाँ पर आया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इवन एज इट अ क्वेश्चन ऑन वेदर द US हैज फॉर्म। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? इवन के थ्रू देखिए हम एक थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। इवन के थ्रू, इवन जब वर्ड लगाते हैं तो उसके थ्रू एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो कॉन्फिडेंट से, कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंट से अपोजिट हो। ठीक है, तो इवन एज इट अ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को क्या किया जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आंसर नहीं देना चाहता तो उसको वो एस्केप एस्केप कर देता है, या उसको वो डॉज कर देता है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है डॉज। यहाँ पर सही आंसर होगा डॉज। इवन इवन एज इट डॉज्ड ए क्वेश्चन ऑन वेदर द US हैज़ फॉर्म फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो अब इसमें इंडिया और चाइना के इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो US एडमिनिस्ट्रेशन ने उस क्वेश्चन को डॉज कर दिया, एस्केप कर दिया, जब उनसे इंडिया और चाइना के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब फर्म के आगे क्या आ सकता है? US हैज़ फॉर्म, फर्म क्या हो सकता है? क्या फर्म रिलायंस हो सकता है? क्या फर्म बिलीफ, रिलेशंस या प्रपोजिशंस हो सकते हैं? फर्म कमिटमेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर कमिटमेंट क्यों आ सकता है? जैसे किसी किसी व्यक्ति ने US गवर्नमेंट से पूछा कि इंडिया और चाइना ने आपको कमिटमेंट कर दिया है कि वो भी ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे, क्या उन्होंने कमिट कर दिया है? तो इस क्वेश्चन को ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्केप कर दिया, डॉज कर दिया। तो यहाँ पर आएगा आपका फर्म, फर्म यानी मजबूत। ठीक है, फर्म कमिटमेंट। क्या इंडिया और चाइना, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है कि एशिया के जाइंट हैं, दो बड़े बड़े कंट्री हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, तो इसलिए किसी जर्नलिस्ट ने उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इंडिया और चाइना ने भी इन सेंक्शंस को अप्रूव करने करने के लिए बोल दिया है, क्या उन्होंने कमिट कर दिया है? ठीक है, तो
तो यहाँ पर कमिटमेंट्स जो होगा वो सही होगा, फर्म कमिटमेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू स्टॉप ऑल ऑयल परचेजेस फ्रॉम तेहरान विद इन 6 मंथ। मतलब क्या 6 महीने के अंदर इंडिया और चाइना ने भी वहाँ से इंपोर्ट करने के लिए मना कर दिया है। द सेंक्शंस, अब देखिए सेंक्शंस, अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कॉमन सेंस। देखिए क्लोज टेस्ट में सारी चीज़ें चेक होती हैं, कॉमन सेंस, लॉजिक, आपका आपकी ग्रामर। अब देखिए सेंक्शंस एक नाउन है और एक ये प्लूरल नाउन है, यानी यहाँ पर एक वर्ब आ सकती है और एक प्लूरल वर्ब आ सकती है, लेकिन इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं, ओवर, इम्पोज्ड, प्लेस्ड, एग्जेम्प्ट एंड कवर। अब देखिए एग्जेम्प्ट नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेंक्शंस एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस ना हो, ठीक है। द सेंक्शंस, क्योंकि इन सेंक्शंस की हम बात कर रहे हैं और सेंक्शंस एक तरह से फैक्ट की तरह है, तो यहां पर यदि आप ओवर लगाते हैं, सेंक्शंस ओवर ईरानियन बैंकिंग एंड एनर्जी सेक्टर एंड, तो ओवर से ये नहीं बनेगा। यहां पर सेंक्शंस क्या करता है, एक्चुअली सेंक्शंस किस तरीके से काम कर रहा है उसकी इसमें बात हो रही है। इम्पोज्ड नहीं आएगा सेंक्शन इम्पोज्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, जबकि यहाँ पर तो हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं कि सेंक्शन ये चीज़ करता है, इस सेंक्शन में ये चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो सेंक्शन इम्पोज्ड ईरानियन बैंकिंग एंड एनर्जी सेक्टर, सेक्टर को देखिए इम्पोज जो वर्ड आता है वो पेनल्टी के साथ आता है या टैक्स के साथ आता है, ठीक है, उस तरीके से भी इम्पोज वर्ड नहीं आएगा। द सेंक्शंस प्लेस्ड ईरान्स बैंकिंग एनर्जी सेक्टर एंड, प्लेस्ड भी नहीं आएगा, यहाँ पर सही वर्ड होगा कवर। द सेंक्शंस कवर, मतलब इस सेंक्शंस में ये चीज़ें कवर होती हैं, सेंक्शंस कवर ईरान्स बैंकिंग एंड एनर्जी सेक्टर एंड। अब यहाँ पर आपको सेंक्शन कवर, सेंक्शन कवर करता है ईरान के बैंकिंग सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को, एंड मतलब यहाँ पर और क्या करता है सेंक्शन, वो वर्ड आएगा यहाँ पर, एंड पेनल्टीज फॉर कंपनीज। अब देखिए यहाँ पर इम्पोज वर्ड आ सकता है, इम्पोज पेनल्टी फॉर कंपनीज एंड कंट्रीज इन यूरोप, एशिया एंड एल्सवेयर दैट डू नॉट होल्ड ईरानियन ऑयल इम्पोर्ट। मतलब सेंक्शन में क्या कवर है, सेंक्शन में ईरान का बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर कवर है, और सेंक्शन में ये लिखा हुआ है कि उन कंपनी उन उन कंट्रीज पर पेनल्टी लगाई जाएगी यूरोप, एशिया और एल्सवेयर में, जो ईरान से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, ठीक है, एल्सवेयर दैट डू नॉट हॉल्ट, हॉल्ट मतलब जो स्टॉप नहीं करेंगे ईरान से ऑयल इम्पोर्ट। तो यहाँ पर इम्पोज वर्ड तो है नहीं, तो इम्पोज का इक्विवेलेंट वर्ड है यहाँ पर री इंस्टेट, मतलब पेनल्टी को दोबारा से लगाया जाएगा। री इंस्टेट का मतलब होता है रिस्टोर करना। देखिए बैंकिंग एग्जाम में आपकी वोकेबलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और ये वोकेबलरी स्ट्रांग हो सकती है केवल और केवल रीडिंग से, आपको रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करना है, और उसमें जो भी वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उन वर्ड्स को आपको ऑनलाइन डिक्शनरी में या आपके पास फिजिकल डिक्शनरी उसमें देखना है और उन वर्ड्स को लिखना है एक रजिस्टर में, और रेगुलर बेसिस पर उनको आपको रिवाइज करते रहना है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। डेली 10-12 वर्ड्स लिखना है, जो भी आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है उन वर्ड्स को एक रजिस्टर में लिखना है और उनको रेगुलर बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा री इंस्टेट पेनल्टी फॉर कंपनीज एंड कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया एंड एल्सवेयर दैट डू नॉट हॉल्ट ईरानियन ऑयल इम्पोर्ट। इंडिया एंड चाइना द टू बिगेस्ट बायर्स ऑफ ईरानियन क्रूड, ये सबसे बड़े बायर हैं इंडिया एंड चाइना, जो ईरान से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल खरीदते हैं, ठीक है। हैव सो फार मतलब अब तक उन्होंने कुछ किया है, तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हैव सो फार अपीयर टू हैव स्किप्ड द प्यूनिटिव अमेरिकन, किसकी बात हो रही है इसमें, तो इसमें आ जाएगा एक्चुअली देखिए ये स्टैंड नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है, ये सेंक्शंस हैं, तो सेंक्शंस ही यहाँ पर सही वर्ड होगा। मतलब इंडिया और चाइना ने, जो कि सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं एशिया के, उन्होंने स्किप कर दिया है प्यूनिटिव अमेरिकन सेंक्शंस। सेंक्शंस ये किसके हैं, अमेरिकन के हैं, और ये सेंक्शंस को बोला गया है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव अमेरिकन सेंक्शंस। सेंक्शंस एक नाउन हुआ, अमेरिकन एक एडजेक्टिव हुआ जो उसको मॉडिफाई कर रहा है सेंक्शंस को, और प्यूनिटिव भी एक एडजेक्टिव हुआ। प्यूनिटिव मतलब सजा देने वाले, ठीक है, पनिशमेंट से रिलेटेड, तो इसका मतलब होगा प्यूनिटिव। ये वर्ड भी मेरी ई बुक्स में आपको, ये सारे वर्ड्स मेरी ई बुक्स में आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब क्लोज टेस्ट है, काफ़ी टेक्निकल ये क्लोज टेस्ट है, और सेम इसी तरीके का क्लोज टेस्ट बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है।
प्यूनिटिव अमेरिकन सेक्शंस टारगेटिंग द ईरानियन ऑयल एंड फाइनेंशियल सेक्टर द टू एशियन जायंट्स। जायंट्स मतलब जो जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जो बड़े लेवल पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना को जायंट्स बोला जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल पावर्स हैं। इंडिया और चाइना दो बड़ी एशिया की फाइनेंशियल पावर हैं, उनको जायंट्स यहाँ पर बोला जा रहा है। जायंट्स आर बिलीव टू बी अमंग द एट कंट्रीज दैट हैव बीन गिवन द रेयर अब रेयर क्या हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए रेयर क्या हो सकता है। देखिए, सभी के ऊपर जब पेनल्टी लगाई जा रही है, सभी के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, तो कुछ कंट्री ऐसी हो सकती हैं जो रेयर हो सकती हैं। 50 के ऊपर बैन लगाया जा रहा है और 2 को अगर छोड़ा जा रहा है तो वो रेयर होगा, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो एग्जेम्पशन से रिलेटेड हो, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस चांस गिफ्ट आइटम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो बिलीव दैट अमंग द एट कंट्रीज दैट हैव बीन गिवन द रेयर एग्जेम्पशन फ्रॉम द ईरानियन सेंक्शन, ईरान के ऊपर जो बैन लगे हैं उसके उस पर उसको मतलब इंडिया और चाइना पर लागू नहीं किया गया है, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। तो 7 में आएगा आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम द ईरानियन सेंक्शन दैट ईरानियन सेंक्शंस दैट। अब यहाँ पर दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंक्शंस, सेंक्शन इसका एंटीसीडेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पर सेंक्शंस से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी, सेंक्शंस दैट, ठीक है। तो सेंक्शंस दैट, अब यहाँ पर लगाए ऑफ, तो ऑफ के साथ कौन सा वर्ड जुड़ के इसको मीनिंगफुल बना सकता है, ठीक है। सेंक्शंस दैट यहाँ पर आप लगा सकते हैं किक्ड ऑफ, किक्ड ऑफ लास्ट मंथ, ये सेंक्शंस पिछले महीने इनको इम्प्लीमेंट किया गया, इनको शुरू किया गया। किक ऑफ का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना या उसको इम्प्लीमेंट करना, तो किक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है। कॉल ऑफ यदि आप लगाएंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन होता है। सेंट ऑफ किसी को दूर भेज देना, पुल ऑफ किसी को खींचना, तो इन सब का सेंस नहीं बनेगा, किक ऑफ का सेंस बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा किक ऑफ, सेंक्शंस दैट किक्ड ऑफ। देखिए किक्ड ऑफ यहां पर क्यों आएगा, क्योंकि हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ क्या है, पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहां पर हम किक्ड ऑफ बोलेंगे, यहां पर किक्ड ऑफ। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेड इट हैड आस्क्ड दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग टर्की, इराक, इटली, जापान, साउथ कोरिया टू डाउन देयर ऑयल परचेज। अब डाउन के साथ कौन सा फ्रेजल वर्ब जुड़ सकता है, मतलब यूएस ने इन कंट्रीज से बोला है कि वो अपना टर्की, इराक, इटली और जापान और साउथ कोरिया से बोला है कि अपना ऑयल परचेज क्या करें, वो ऑयल परचेज टू ज़ीरो। तो डाउन के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, डाउन के साथ यहाँ पर जाएगा जब हम किसी चीज़ को नीचे लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन टू जीरो, मतलब यूएस बोल रहा है इन कंट्रीज से कि अपना ऑयल परचेज ईरान से ज़ीरो तक लाएं जल्दी से जल्दी। टू ब्रिंग डाउन देयर ऑयल परचेज टू ज़ीरो एज सून एज पॉसिबल, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ड्यूरिंग अ टॉक शो ऑन फॉक्स न्यूज रिपीटेडली क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने ऊपर वाले पैसेज में यह पढ़ा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया और चाइना के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको वो एस्केप कर रहा है, डॉच कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, जब टॉक शो में फॉक्स न्यूज़ में उनसे पूछा गया कि इंडिया और चाइना के बारे में आपका स्टैंड क्या है, तो उन्होंने रिपीटेडली किया, क्या किया, रिपीटेडली एस्केप किया या डॉच किया। अब एस्केप और डॉच का इक्विवेलेंट वर्ड क्या इसमें है, आंसर्ड, डिनाइड, एक्सेप्टेड और रोट, ये एस्केप के इक्विवेलेंट नहीं है। पैरी जो है, पेरी का मतलब भी एस्केप ही होता है, तो यहां पर आ जाएगा पेरीड, रिपीटेडली पेरीड क्वेश्चन व्हेन आस्क्ड अबाउट द कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना ऑन जीरो ऑयल परचेज फ्रॉम ईरान। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया और चाइना जीरो ऑयल परचेज करेंगे तेहरान से या ईरान से, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को एस्केप कर दिया या अवॉइड कर दिया या डॉच कर दिया या पेरी कर दिया, ठीक है। अब देखिए कितने सारे वर्ड्स इसमें आए आपको देखने को मिले, और ये सारे वर्ड्स आपको मेरी जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की ई बुक्स हैं उनमें आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र चलाया हुआ है कि इन सभी ई बुक्स को, 6 ई बुक्स हैं एक्चुअली ये, और 2500 हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, इनको आप केवल 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। तो ये है बैंकिंग का क्लोज टेस्ट। आपका कोई भी फीडबैक है और आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कर सकते हैं।
और SBI PO और SBI क्लर्क की वैकेंसीज आने वाली हैं। इनके रिगार्डिंग महीने में दो बार मेरा ऑनलाइन ई कोर्स स्टार्ट होता है, नए बैच स्टार्ट होते हैं, तो उनको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस ई कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इन ई कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश सेक्शन रहता है और पूरा करेंट अफेयर्स रहता है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।